तरफ से जवाब मिलना चाहिए, जितने वक्त में मिलना चाहिए, शायद मैंने नहीं दिया हो भावेश। सो लेकिन मैंने कहा था कि रेस्ट अश्योर्ड कि हम उस दिन मिलेंगे और इट विल बी ए एंटरटेनिंग प्रोग्राम। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को कि आपने इतने यंग एज के अंदर एक वेंचर शुरू किया है। भगवान हमेशा आपके साथ है और लोग भी आपके साथ हैं और लोग आपको इतना प्यार करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इंटरवल के दरमियान मैं देख रहा था आप सबसे जिस तरह से मिल रहे थे। तो आपके आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट। और बीच में मेरे भी प्रोग्राम बीच बीच में करते रहना, ऐसा नहीं करना कि वैसे मुखर्जी जी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं और एक बार फिर अपनी सारी ख्वाहिशों को बाजू में रखते हुए आपको और मुझे बुलाने वाले हैं। थैंक यू। और साथ ही साथ इनके साथ जुड़े हुए एक मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और यहाँ के बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, मनोज मक्कड़ साहब, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे प्रोग्राम्स के लिए आप किसी को भी संपर्क करना हो तो मनोज मक्कड़ जी का संपर्क कर सकते हैं, मेरे बहुत पुराने, इज लाइक ए ब्रदर टू मी, और इतने सालों से हमारा रिश्ता रहा है। मनोज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला जो गाना है हम गाने जा रहे हैं, नैना मेरे साथ एक ड्यूएट गाना, अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, फिल्म है मिलन। पहले फिल्में देखे बनती थी, एक फिल्म होती थी उसमें 10-10 गाने होते थे और 10-10 गाने सुपरहिट होते थे, होल सेल में गाने बनते थे अच्छे अच्छे। और तो ये इस फिल्म के भी सभी गाने सुपरहिट थे, लेकिन गाना जो हम आपको सुना रहे हैं वो है ये। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, ढाए ये पुरवैया, नैया सभालो के खोए होती भैया, राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया सभालो के खोए होती भैया, ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर।
नदिया की धारा जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर जरा रे छू मेरे से जैसे बनवाना जी मोर सावन का महीना पावन करे सोर जरा रे छू मेरे से Thank you. सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे अकड़ किस बात की प्यारे अकड़ किस बात की प्यारे ये सर फिर भी झुकाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर रोया वही किस्सा पुराना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है सुरीली प्यारी आवाज़ वाली हसीनाएं मेरे आसपास बैठी हुई हैं और वो जब प्यार से हंसती हैं और उनके चेहरे से जो नूर बरसता है उसे देखते हुए एक फीमेल ड्यूएट याद आया है जो कहता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा हंसता हुआ नूरानी
दोस्तों, मुकेश जी के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हैं और हम अक्सर बताते भी रहते हैं, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे बताते हुए हम बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये बात मुख्तार जी से जुड़ी हुई है। मुख्तार शाह एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 24 जनवरी 2015 के दिन मुकेश जी के गाए हुए 131 गीत नॉनस्टॉप गाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है, जिसके लिए इन्हें हम आबू रोड के सभी श्रोता की ओर से एक बार बहुत 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 बधाई देते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे और आपका नाम एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार हो जाए। आपको हमारी यही शुभेच्छा है, दुआ है, और जब ऐसे कलाकार हमारे बीच में हैं तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आपको आपकी फरमाइश के कुछ नगमे सुनवाएं। मुख्तार जी, जब ये प्रोग्राम के गानों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो भावेश के साथ कई मरतबा फ़ोन पर भी बात होती रही। एक लिस्ट इन्होंने मुझे भेजा था और ये चाहते थे कि थोड़े से कुछ गाने ऐसे एक एक स्टैंजा करके, मतलब एक एक अंतराव गानों के मैं गाऊं और वो नॉन स्टॉप गाने हों। और आज ख़ास तौर से आप देखें ऑर्केस्ट्रा में नॉर्मल जो प्रोग्राम आप लोग देखते हैं उसके अंदर रूटीन ऑर्केस्ट्रा के सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो होते हैं, लेकिन फ्लूट और वायलिन ये दो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम ऑर्केस्ट्रा में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज ये चाहते थे तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे साथ आज स्टेज पर मौजूद हैं और इनके जो म्यूज़िक के अंदर ज़्यादा रोल रहा है फ्लूट का या वायलिन का, तो ऐसे गानों का एक एक अंतरा करके एक मेडली हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और पहले एक रोमांटिक गीतों की, जो चारों गाने हैं मुकेश जी के वो रोमांटिक होंगे और एक उनका जो इमोशनल सेंटिमेंटल एक मूड के गाने जो मुकेश जी ने बहुत खूबसूरती के साथ गाए हैं, एक मेडली वो आपको सुनाएंगे। पहले रोमांटिक।